नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के दिन जो RSCIT का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, उसकी ए सीरीज के मैं आपको यहां पर आंसर बताऊंगा। और दोस्तों, बिल्कुल 100% सही आंसर की है। तो यदि दोस्तों आपके पास भी बुकलेट की आपकी सीरीज भी ए हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। ए हो तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन आपको इसी क्रम में मिल जाएंगे। यदि कोई अदर सीरीज हो तो आप फिर क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, डेटा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर ए है। यह है कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों ए। बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस साल्ट में केवल एक साल्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ए, लाइन साल्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। और दोस्तों, ये सभी आंसर एकदम एक्यूरेट सही है, आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। आप अपने जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने आपके सही हुए। यदि आपके 14 या 14 से ज्यादा सही हैं तो आप बिल्कुल पास हैं, किसी भी तरह की दिक्कत न समझे। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो ये आपका हो गया CRT मॉनिटर, ठीक है ना। क्योंकि टच पैड, माउस और ट्रैक पॉइंट ये तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी इसे हम पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, रक्षा, प्रबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों बात कर लेते हैं बचे हुए क्वेश्चनों की भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो ये आंसर इसका यहाँ पर सही है, बी, केस मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजी व्हील एक प्रकार का क्या है? तो डेजी व्हील दोस्तों एक प्रकार का मैट्रिक्स प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल। देखिए, एमएस एक्सेल में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक फील्ड बनाने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका अटैचमेंट, ठीक है। अब दोस्तों इस पेज का अंतिम क्वेश्चन है, 1 GB बराबर क्या होता है? तो 100 MB होता है आपका 1 GB के बराबर। आप इसे बाइट में बदल कर देख लेना, ठीक है ना, आपका आंसर इतना ही आने वाला है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है? ड्रॉप बॉक्स नहीं है, Way2XML, ये मोस्टर इंडिया नहीं है, पेटीएम। दोस्तों आपको पता है कि इससे ई वॉलेट का उदाहरण, इसे हम ऑनलाइन, ठीक है ना, किसी के पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी खाते में भेज सकते हैं, कोई हमारे खाते में भी पैसे भेज सकता है, तो ये ई वॉलेट हो गया, ठीक है। विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यानी किस कंप्यूटर का, ठीक है ना, या कैसे उपयोग? डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से, ठीक है ना। ये सभी हम इसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? A4 आकार के पेपर पर 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, यह यही इसका क्या है दोस्तों उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर में पर वांछित संसाधन URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें, तो ये होगा आपका एड्रेस बार पर, ठीक है ना, बिल्कुल आपको दिख चुका है। बात कर लेते हैं दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, URL का सही उदाहरण है? तो दोस्तों URL में आप ध्यान रखें कि शुरू में इसमें HTTP है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, उसके बाद में आपको WWW मिलेगा, तो ये होता है आपका क्या, URL, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है? तो दोस्तों देखिए, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, और जैसे कंपनी का नाम और पृष्ठ की संख्या। आगे के क्वेश्चन दोस्तों देखें तो कुछ इस प्रकार से है, एमएस वर्ड 2010 में आप का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। दोस्तों सिंक फ्रंट का उपयोग करके आप इसे लिख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन, का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को देख सकें। दोस्तों स्प्लिट विंडो, स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, ठीक है ना, बिखेर देना होता है, वैसे स्प्लिट। नेक्स्ट देखें,
एमएस एक्सेल 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी फाइलों से हम डेटा आयात कर सकते हैं। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है लेना, निर्यात का मतलब होता है देना या बेचना। ठीक है, बात कर लेते हैं हम 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दिया गया था, आपको करना क्या था, मिलान करना था। ठीक है, तो आपको पता है कि एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, एम एस वर्ड में जो कागज़ होता है, एम एस एक्सेल में शीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इन्हें देख लेना। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चनों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। वक्तव्य एक, ठीक है ना, दो आपको ये दिया, तो इसमें दोस्तों आप देख लेना ये आपका सही है। दोनों वक्तव्य एक और दो दोनों से, यानी बहुत हार राइट है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गूगल क्रोम। तो दोस्तों गूगल क्रोम है क्या, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, गूगल याहू, ठीक है ना, ये किस पर, ये सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है ना, बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चनों के। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है, कौन करता है, टू अटैचमेंट वीसीसी, नहीं दोस्तों सब्जेक्ट करता है। ठीक है ना, तो रही सही आंसर है यहाँ पर सब्जेक्ट। 23वां क्वेश्चन, कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर वर्ण ओ को हटाने में सक्षम बनाती है, बाईं तरफ के हटाने के लिए डिलीट होता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं, तो ये होता है आपका पावर विकल्प, जिसके द्वारा आप डिवाइस में जो ऊर्जा खपत है उससे बच सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 25वां, मान ले कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यह एकाधिक पृष्ठों में आएगा, और जब अब आप उसी वर्कशीट के प्रिंट आउट को एमएस एक्सेल 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फिट शीट ऑन वन पेज, यानी कि हमें तो एक शीट को एक पेज पर ही फिट कर देना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, तो उन चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए, एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरों के खिलाफ, बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उधर जो राइट आंसर है वो है फायरवॉल। ठीक है ना दोस्तों, बचे हुए 9 क्वेश्चन बचे हैं अभी, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उनके आंसर भी क्या रहे हैं आज के एग्जाम में। एग्जाम दोस्तों कोई टफ तो नहीं था, मैं इजी टू मॉडरेट इसे बोल सकता हूँ। ठीक है ना, और वैसे आप अपने हिसाब से बताना कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा था। ठीक है ना, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। वो तो देखिए लेवल तो तैयारी पर होता है हमेशा। ठीक है ना, यदि आपको आते हैं तो इजी हो जाएगा, यदि आपको नहीं आते हैं तो इजी होने पर भी टफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है डी, सभी प्राथमिक कुंजी के ये सभी क्या है दोस्तों, लाभ है। ठीक है ना, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है। तो आप एकाधिक विंडोज के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हैं, यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्विटेड फीड को दूसरे में देख सकते हैं, और इसी तरह और भी देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और आप एम एस एक्सेल 2010 में खोलते हैं तो यह खुलेगी। तो दोस्तों प्रोटेक्टेड व्यू में, ठीक है ना, सुरक्षित व्यू में खुल जाएगी। विंडोज 10 में, चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, विंडोज 10 में सेटिंग ऐप विंडो में निम्नलिखित में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। ठीक है ना, बात कर लेते हैं 31वें क्वेश्चन की। तो 31वां क्वेश्चन, एक प्रकार के वायर्ड केबल हैं जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फ्री ब्रेडेड तार की ढाल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्टिकल। 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों देखिए 32वां क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर है दोस्तों ए। 33वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में है। तो फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी क्या है, नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम 34वां क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, बात कर लेते हैं दोस्तों 35वें क्वेश्चन की। तो आकार व अवधि के आधार पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था कीजिए। तो पेन, उसके बाद में लैन, मैन और वैन। ठीक है ना, तो आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर है
एंटी स्विमिंग ए। तो दोस्तों आज का आरएससीटी का पेपर कुछ इस प्रकार से रहा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। यदि 14 या 14 से ज़्यादा हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप पास हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।